वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो चयन परिणाम घोषित किए जाने हैं उसकी एक संभावित तिथि घोषित कर दी गई है। इसके बारे में मैं बता देता हूं, जैसे कि लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण ENT विशेषज्ञ की 21 पोस्ट के लिए अप्रैल 2023 तक जो है अंतिम चयन परिणाम जो है घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा शल्य क्रिया के लिए मई 2023, नेत्र रोग विशेषज्ञ के लिए मई 2023, शिशु रोग के लिए भी मई 2023, दंत चिकित्सा विशेषज्ञ के लिए 2023 घोषित किया गया है। इसी के अलावा DSP रेडियो की बात कर लेते हैं, मई 2023 तय किया गया है। इसके अलावा राज्य सेवा परीक्षा 2020 की बात कर लेते हैं, तो जून 2023 इन्होंने अंतिम तिथि दी है कि पूरे परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे इंटरव्यू के। इसके अलावा शाखा अधिकारी संपदा प्रबंधक की बात करें तो जून 2023, कुल सचिव के लिए राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के लिए 2023, कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो परीक्षा है जून 2023, पशु चिकित्सा सहायक शल्यक की बात करें तो जुलाई 2023, इसके अलावा डेंटल 2022 की जो परीक्षा होनी है उसके लिए जुलाई 2023, राज्य सेवा परीक्षा 2019 की बात करें तो जुलाई 2023 तक। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 2020 के परिणाम पहले आएंगे और 19 के बाद में, तो पहले 19 के देना चाहिए था। और वन सेवा की बात करें तो जुलाई 2023, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 की बात करें, 446 जो पोस्ट थी अगस्त 2023 तक। ये आप देख लीजिए समस्त प्रक्रिया पूर्ण। अब इन्होंने एक डेट दे दी है, तो इसके हिसाब से आप इंटरव्यू की बात कर लेते हैं तो इंटरव्यू इससे पहले ही होंगे, ठीक है। अगस्त तो हमारे पास जो है जून जुलाई, तो जुलाई में और जून जुलाई हो सकता है इंटरव्यू, क्योंकि अगर ये अगस्त 2023 दे रहे हैं और रिजल्ट लगभग लगभग 15 दिन में ही आ जाता है इंटरव्यू के बाद। सहायक यंत्री की बात करें तो उनके भी अगस्त में ही, वो साथ में ही होते हैं, मैकेनिकल के भी साथ में रहेंगे। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की बात करें सितंबर 2023, और चिकित्सा अधिकारी की सितंबर 2023 तक पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने की संभावित तिथि इन्होंने घोषित कर दी है। तो 3,856 पोस्ट हैं कुल मिला के, और ये कब कब तक घोषित की जाएंगी तो उसकी तिथि दे दी गई है। और इंटरव्यू जल्द से जल्द जो है कराए जाएँ, इसके लिए 10 तारीख को हमने निवेदन किया है कि ज्ञापन की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर पधारें। धन्यवाद दोस्तों।